हेलो एवरीवन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेज इंसेंटिव प्लान्स ये वीडियो मेरी लास्ट टू वीडियोस के कंटिन्यूएशन में ही है उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ वेज इंसेंटिव प्लान ये दो कैटेगरीज़ में डिवाइड होती हैं दैट इज़ द इंडिविजुअल इंसेंटिव सिस्टम एंड ग्रुप इंसेंटिव सिस्टम जो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वो है इंडिविजुअल इंसेंटिव सिस्टम जो कि अगेन टू कैटेगरीज में डिवाइड होती है फर्स्ट वन इज़ द टाइम बेस्ड एंड नेक्स्ट इज़ द प्रोडक्शन बेस्ड सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द टाइम बेस्ड सिस्टम जिसका सबसे पहला प्लान है हेल्थ ए प्लान नाउ इसमें क्या होता है स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया जाता है इन एडवांस टू कंप्लीट अ वर्क एक एम्प्लॉय को उसके टाइम टेकन टू परफॉर्म द वर्क के अकॉर्डिंग पे किया जाता है एंड टाइम टेकन टू परफॉर्म द टास्क कैन बी मोर और लेस देन द स्टैंडर्ड टाइम एंड इफ़ वर्कर ने स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम लिया है तो उसको टाइम सेव करने के लिए पे किया जाता है और टाइम सेव करने की जो पेमेंट है ना वो वेरी करती है फ्रॉम थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री टू सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स के बिटवीन अगला हमारा मेथड क्या है रोवन प्लान इस मेथड को कहा जाता है कि ये बिल्कुल हेल्थ से प्लान के बिल्कुल सिमिलर होता है बस जो डिफरेंस होता है वो होता है बोनस कैलकुलेट करने में तो आइए एक बार दोनों के फॉर्मूलाज को कंपेयर कर लेते हैं नाउ हेल्थ से प्लान के अंडर आप जो देख रहे हैं उसका सल्यूशन के नीचे देखिए फॉर्मूला दे रखा है टी दैट इज टाइम टेकन टू परफॉर्म द टास्क इन टू रेट यानी कि जो आप उसको पर आर वेजट दे रहे हैं देन प्लस ब्रैकेट स्टार्टिंग एस यानी कि जो स्टैंडर्ड टाइम है माइनस टी अगेन द टाइम टेकन बाय द वर्कर टू कंप्लीट द टास्क होल अपॉन टू ब्रैकेट क्लोज इन टू आर जो आर्ली रेट आप अगेन दे रहे हो लेकिन वहीं पर रोवन प्लान में सारा फॉर्मूला सेम है बट जहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो रही है उसके साथ ही आप देखिए टी को मल्टीप्लाई कर दिया गया है यानी कि टाइम टेकन तो बस यही फ़र्क है दोनों के बोनस कैलकुलेट करने में और एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं अगेन कमिंग टू हेल्थ से प्लान टाइम टेकन जैसे उन्होंने ट्वेंटी आवर्स दे दिया एक्चुअल टाइम फिफ्टीन था ठीक है और आर्ली रेट आपको वन पॉइंट फाइव रुपीज़ मिल रहे हैं तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके उन्होंने हमें बताया कि जो उनको इंसेंटिव मिला फॉर सेविंग द टाइम दैट इज़ थ्री पॉइंट सेवन फाइव रुपीज़ नाउ नेक्स्ट इज़ आर एमसिन प्लान जिसमें स्टैंडर्ड आउटपुट इज़ फिक्सड द दफिशेंसी ऑफ द वर्कर जिस वर्कर की एफिशिएंसी सिर्फ 66.66 परसेंट .66 तक होती है उसको तो मिनिमम वेजेस मिलते हैं एंड बोनस उसको जिसकी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड एफिशिएंसी को क्रॉस कर जाती है और ये कहा जाता है कि बोनस रेट इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन दी एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल थाउजेंड यूनिट्स को फिक्स किया गया है एज स्टैंडर्ड एफिशेंसी ना इफ़ अ पर्सन प्रोड्यूस थाउजेंड यूनिट्स ही अचीव दी हंड्रेड परसेंट ऑफ़ दी एफिशियंसी लेकिन वहीं पे अगर दूसरे पर्सन ने एट हंड्रेड यूनिट प्रोड्यूस करी हैं तो उसने एट्टी परसेंट एफिशियंसी अचीव करी है ना यहाँ पे एमसन क्या कहता है कि बोनस ट्वेंटी परसेंट होता है इफ़ स्टैंडर्ड एफिशियंसी इज़ अचीव्ड एंड इंक्रीज ऑफ वन परसेंट इज़ सीन इन बोनस विद एवरी परसेंट इंक्रीज़ इन एफिशियसी सो मेन यहाँ पे क्या कहा गया है कि एफिशिएंसी पे ध्यान दिया गया है और उसको बढ़ाने पे ध्यान दिया गया है नेक्स्ट हमारा प्लान है बेडे प्लान बेडे प्लान क्या कहता है अंडर दिस प्लान सीक्स टू प्रोवाइड कंपेरेबल स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल द वर्कर्स नाउ यहाँ पे जो भी बेनिफिट होते हैं फॉर सेविंग द टाइम उसका बेनिफिट जो है वो एम्प्लॉयर और इम्प्लॉय दोनों को दिया जाता है एम्प्लॉय के हिस्से में थ्री फोर्थ आता है और सुपरवाइज़र के हिस्से में वन फोर्थ आता है ऑफ़ दी बेनिफिट नाउ सुपरवाइज़र हेल्प करता है एम्प्लॉय की टाइम सेव करने में इसीलिए ये बेनिफिट उसको भी दिया जाता है स्टैंडर्ड टाइम को मिनट्स में फिक्स किया जाता है और उसको टाइम जो है उस टाइम को बीज के साथ रिप्रजेंट किया जाता है बोनस तब मिलता है जब एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी एक्सीड कर जाती है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को आगे हम बात करते हैं अबाउट दी प्रोडक्शन बेस्ड सिस्टम इसमें सबसे पहला प्लान आता है टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम यहाँ क्या कहा गया कि जो हमारे एफिशिएंट इम्प्लॉयज़ हैं उनको रिवॉर्ड करो और जो इनएफिशिएंट हैं उनको पनिश करो यानी कि या तो उनको ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दो यहाँ पे उनका कहना होता है कि जो इनएफिशिएंट एफिशियंट एम्प्लॉयज़ हैं ना उनकी कोई जगह नहीं है इन दी ऑर्गेनाइजेशन और जो भी इसमें हमारा स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया जाता है ना फॉर कंप्लीटिंग दी टास्क उसके लिए हम स्टडी करते हैं टाइम एंड मोशन को और यहाँ पर कहा जाता है कि अगर तो टास्क को आपने विद इन द स्टैंडर्ड टाइम परफॉर्म कर लिया तो आपके वेजेस हायर होंगे और अगर आप स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा ले रहे हो तो उसके लिए आपको कम वेजेस मिलेंगे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं क्या है अगर स्टैंडर्ड यूनिट्स जो है वो हंड्रेड हैं और उसको आपको विद इन एट आवर्स प्रोड्यूस करना है तो यहाँ पे आपको रेट देखिए क्या मिल रहा है ट्वेंटी फाइव पैसे मिल रहे हैं अगर यूनिट्स हंड्रेड हैं या उससे ज़्यादा है और ट्वेंटी पैसे मिल रहे हैं अगर हंड्रेड यूनिट से आपने कम प्रोड्यूस किया है अब आगे वर्कर्स की परफॉर्मेंस देखते हैं वर्कर ए ने प्रोड्यूस करी 120 ट्वेंटी यूनिट्स और उसको हर एक यूनिट के लिए मिल गए 25 पैसे क्योंकि वे 100 से ज़्यादा है स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो उसके वेजेस बने थर्टी रुपीज़ वहीं दूसरी तरफ वर्कर बी ने सिर्फ 90 यूनिट्स प्रोड्यूस करी जो कि स्टैंडर्ड यूनिट से कम है और हंड्रेड यूनिट्स जो है स्टैंडर्ड है उससे कम के लिए हमें जो रेट मिल रहा है दैट इज़ ट्वेंटी पैसे तो वर्कर बी का जो वेज बना दैट इज़ एटीन रुपीज़ अब इसमें क्या कहा जाता है कि टेलर ने ना कोई भी मिनिमम वेजेस नहीं रखे यानी कि अगर वो जीरो यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको कोई वेजेस नहीं मिलेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट प्लान अंडर द प्रोडक्शन बेस्ड सिस्टम इज दस्ट टास्क एंड बोनस प्लान हेयर ही ट्राई टू इम्प्रूव द टेलर मेथड ऑफ वेज पेमेंट यानी कि टेलर के मेथड में मिनिमम वेजेस ग्ररंटेड नहीं थे पर यहाँ पे इन मेथड इट इज़ गारंटेड और कहा गया कि जो भी इम्प्लॉय स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम लेगा टू परफॉर्म दी टास्क उसको वेजेस के साथ साथ बोनस भी मिलेगा अब आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टैंडर्ड टाइम इज टेन आवर्स फॉर कंप्लीटिंग द टास्क एंड आर्ली रेट इज़ रुपीज़ वन यानी कि अगर आप टास्क को दस घंटों में पूरा करते हो तो आपको हर एक घंटे के लिए एक रुपये मिलेंगे यानी कि आपको दस रुपये मिलेंगे वहीं पे आपने क्या किया टास्क को ए आवर्स में कंप्लीट कर लिया तो उसके लिए आपको वेजेस प्लस बोनस मिले और आपकी जो वेज बनी वो बनी ट्वेल्व रुपीज़ कैसे आपने आठ घंटे काम किया आर्ली रेट था वन तो बने एट रूपीज अब जो हमारा बोनस होता है ना वो कंपनीज़ वेरी करती है फ्रॉम ट्वेंटी फाइव परसेंट टू फिफ्टी परसेंट यहाँ पर हमने उसको बोनस फिफ्टी परसेंट ऑफ़ द वेजेस अर्नड बाय हिम उसका दे दिया यानी कि वेजेस उसके बन रहे थे एट रुपीज़ उसका फिफ्टी परसेंट किया तो बने फ़ोर यानी कि एट प्लस फोर बने ट्वेल्व रुपीज़ उसके वेजेस बन गए तो ये थे हमारे इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान सिस्टम्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे थैंक यू